हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाफ कलर नेक की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी कि हम हाफ कलर नेक में कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा गला बना हुआ ऑलरेडी पहले से ही है, तो हमें बैक साइड का सिर्फ कट करना है। तो हम बैक साइड का हाफ इंच गले को जो है वो कट कर लेंगे। तो चलिए इसको बैक साइड से हम हाफ इंच कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको हाफ फोल्ड कर लिया है दोनों। अभी हमें इसमें हाफ इंच कट करनी है, तो इसको हाफ इंच हम मार्क लगाएंगे और यहाँ से सिलाई छोड़ते हुए इसमें हल्का सा गोल शेप देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड से हाफ इंच कट गई है, देखिए इस तरह। और हमें इस तरह से अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें कॉलर की जो लेंथ लेनी है वो हमें 11 इंच हमें कंप्लीट रखनी है। तो ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए हम 12 इंच इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये हमारी 12 इंच है और हमें जो है इसकी चौड़ाई 2 इंच रखनी है। तो ये हमारी 2 इंच है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको लगाएंगे कैसे। ये हमारी कॉलर की जो पट्टी है वो पट्टी है जो हमें इसके अंदर डाल करके स्टिच करना है। इसके अंदर डाल के स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े को जो है हमें जो कपड़ा में डाल कर बकरम लगानी है, तो इसको हमें क्या करना है, डबल फोल्ड करना है और इसमें तिरछा सिलाई लगानी है। तो चलिए इसमें हम तिरछा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह तिरछा। अब हम इसी शेप में हमें इसमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगा लेते हैं इस तरह, इस तरह से। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। अब हमें इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है, इसको कट कर देते हैं और इधर साइड भी उसी तरह से डाल करके सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों साइड इस तरह से तिरछा हमने सिलाई लगा लिया। अब हमें इसको सीधा करना है, तो इसको एक्स्ट्रा वाले को कट कर दिया है। अब चलिए इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे सीधा करके। तो चलिए इसको सीधा कर लिए हैं। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से दोनों को बराबर करके, बकरम को अंदर बराबर करके, जबकि बाहर जो है वो निकले नहीं, और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो बकरम है वो अच्छे से बैठ जाए इस तरह। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक साइड का थोड़ा सा कम कपड़ा रखना है इस तरह। इसको हम कट कर दे रहे हैं। अब चलिए इसको गले में लगाएंगे कैसे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सेंटर को, सेंटर मार्क यहाँ पे एक लगाएंगे और ये जो कॉलर है इसको भी हाफ फोल्ड करके एक सेंटर मार्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कट करके एक सेंटर मार्क लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको दोनों को, यहाँ से इसको और इसको नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारी कॉलर की जो साइज है, तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कॉलर लगाते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, अंदर इसको डाल लेना है। ये जो बकरम है, ये वाला जो कम वाला जो कपड़ा है, इसको अंदर डालेंगे और इसमें इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसमें ऊपर डाल करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल हमें सिलाई बराबर लगानी है ताकि जो हमारा बकरम है वो निकले नहीं बाहर की तरफ, और ये पीछे वाला जो है इसको अंदर करते हुए हमारा एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है और पीछे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये एक सिलाई लग गई है। अब हमें इसमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है। तो चलिए ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं इस तरह। ये कॉलर को ऊपर से ऊपर की तरफ लगाना है इस तरह, इस तरह से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर में भी एक सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हमें एक अंदर सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको पहले यहाँ से कट करते हैं और अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से कट करके हमने ये गला लगाकर रेडी कर लिया, कॉलर लगा लिया गले में। अब ये वाला जो अंदर वाला जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है, इसको यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, ये वाले अंदर वाले को इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ सफाई से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी कॉलर की जो फिनिशिंग अच्छी है। तो चलिए इसके बराबर से हम सिलाई लगा लेते हैं अंदर करके, ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा निकला हुआ है, और इसके कॉलर पे सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे इस तरह। इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमने अंदर की तरफ से लगा करके रेडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अंदर की तरफ बराबर सिलाई लगाना है इस तरह। तो हमने इस तरह लगा कर कॉलर रेडी कर लिया। तो हमारी ये कॉलर रेडी हो गई है इस तरह। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये कॉलर लगकर रेडी हो गई है। तो आप सूट, कुर्ती या ब्लाउज किसी भी चीज़ में आप इस तरह से गला पीछे से हाफ इंच कट करके कॉलर लगाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।